अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। और सारा दिन मैं आज का व्लॉग मैंने शाम को शुरू किया है, क्योंकि सारा दिन मैं घर के काम करता रहा। कुछ इशू थे घर में, वो सॉल्व किए। कुछ काम वगैरह थे, इशू थे, यही इवनिंग में पड़ा रहा और वो सॉल्व किए। तो फिर मैं सो गया था, खाना नाश्ता सुबह का किया था, खाना नहीं खाया था। और अब इस टाइम इतनी भूख लग रही है ना, इतनी भूख लग रही है, काम वगैरह करके मैं सो गया था बगैर कुछ खाए। तो अब भूख इतनी लग रही है तो खाना खाते हैं, किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। और आई थिंक सो चावल बना के गई हैं मामा बाज़ार गई हैं असदुल्ला के साथ। तो कह रही थी मैं चावल बना गई हूँ, अब देखते हैं कौन से चावल बना के गई हैं और क्या क्या किचन में खाने के लिए, क्योंकि पहले कर लें पेट पूजा फिर कोई काम दूजा डिशूम जी। तो मैं किचन में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे खाने में है उबले हुए चावल और साथ में मसर बना के गई है मामा। तो अब इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो जी चावल मैंने डाल चुके हैं और हमारे पास था साथ में सैलड, और सैलड भी डाल लिया है और अब इसको खाते हैं जी। तो अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे मामा चावल बना के गई हैं। मज़ेदार, मज़ा आ गया। मैं बहुत कम खाता हूँ उबले हुए चावल क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मामा जब बना के जाए ना या बना दे तो फिर खा लेता हूँ, क्योंकि शौक से नहीं खाता, वैसे खा लेता हूँ। लेकिन ये मज़ेदार बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं, मज़ा आ गया कसम। तो जी खाना वगैरह मैंने खा लिया है और हमें काज साहब आते हैं घर पढ़ाने, तो अब मैं उनसे पढ़ने लगा हूँ। रोज़ ही आते हैं और रोज़ हम पढ़ते हैं, हम चारों भाई पढ़ते हैं। तो अब मैं पढ़ने लगा हूँ, कार साहब से सिपारा, फिर मिलता हूँ आपसे। رب هازل رب هازل الذي تو جی کار صاحب سے میں نے پڑھ لیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں بریڈ لینے گورمے پہ، کیونکہ جو کل بریڈ لے کے آیا تھا وہ ختم ہو گئی تھی اور کچھ بچوں نے صبح بریڈ کا ناشتہ کر کے جانا تھا بریڈ کے ساتھ۔ تو پاپا مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے لو اور جا کے پہلے بریڈ لے آؤ پھر کوئی کام کرنا۔ اب میں جا رہا ہوں گورمے پہ بریڈ لینے، تو ملتے ہیں وہاں جا کے۔ اب جی تو بریڈ میں نے لے لیا، اب اس کو بل کرواتے ہیں بھائی جان، اس کا بل کر دیں۔ ایسا گورمے پہ اور یہاں پہ مجھے بڑے اچھے میرے دوست مل گئے، کالج فیلو داؤد برکت۔ داؤد صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ شرما رہے، کہہ رہے مجھے بلاگ میرا لے کے آؤ یار۔ سلام تو لے لو، سائی ہو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملے ہیں اور واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے داؤد بھائی، اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ کبھی چکر لگائیں آپ، آ کے آتے ہی نہیں ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ اسپیشل آئیں گے بلاگ کے لیے، چلیں آپ کا ویٹ کریں گے ہم جی۔ تو داؤد بھائی جا رہے ہیں اور میں بھی بریڈ وغیرہ لے لیا ہے، تو اب گھر چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں آپ سے جی۔ تو میں گھر واپس آ چکا ہوں بریڈ لے کے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماما بازار گئی ہیں اسدُاللہ کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور وہ کچھ شاپنگ کر کے آئے ہیں، پرفیوم لے کے آئے ہیں دو، اور ساتھ وہ واچ لے کے آیا ہے، ایک اینڈرائڈ واچ۔ تو اب اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، اور ایک پرفیوم میرا ہے اور ایک پرفیوم وہ خود اپنے لیے لے کے آیا ہے۔ تو اب اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کی اسمیل اب دیکھتے ہیں کیسی ہے۔ اس کی سمیل تو ٹھیک ہے، یہ اسد اللہ نے سلیکٹ کیا، لیکن مجھے اس کی سمیل نہیں صحیح تھا اونیسٹلی، یہ مجھے اس کی سمیل نہیں ٹھیک لگی، اور جیسے کالی مرچی ہوتی نا ویسی مجھے اس کی سمیل لگی ہے۔ اور یہ جو میں اپنا والا کھولتا ہوں، یہ ماما نے چوز کیا ہے، آئی ہوپ کہ اچھا ہی ہوگا، وہ اس نے خود چوز کیا ہے۔
ये फरारी है। वाह क्या स्मेल है यार इसमें, इसकी इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, आउट क्लास है। और मुझे उम्मीद थी जैसा कि मामा अच्छा ही चूज़ करेंगे, और वाकई अच्छा ही चूज़ किया मामा ने, बहुत मज़ेदार और जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी आउट क्लास इसकी स्मेल है। लेकिन असद की चॉइस अपनी अपनी होती है, असद की ये चॉइस है और मेरी ये, मामा की ये, मामा की मेरी एक सेम ही होगी। और अब रह गई है पीछे वॉच एंड्रॉयड, इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं इसकी जी। तो अब ये एंड्रॉयड वॉच है, इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो देखते हैं असद क्या ले गया है, क्या चीज़। इसमें पहले तो चार्जर है ये इसका, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, और ये डायल है, और ये इसके स्ट्राइप्स हैं। पहले इसको ऑन करते हैं, ये ऑन ही है, पहले इन्होंने वहाँ चेक की होगी ना। फीचर्स तो अच्छे हैं, और असद तो बता कह रहा था कि यहाँ पे वॉलपेपर पे हम अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो वो खुद ही लगा लेगा। अच्छी है, स्ट्राइप्स लगा के पहन के देखते हैं कैसी लगती है। काफ़ी अच्छी लुक दे रही है हाथ में मेरे, मुझे लगता है मेरे ही हाथ में देगी बस। असद मेरे पास बैठा है और कह रहा है कि उतार दो उतार दो उतार दो। काफ़ी अच्छी है, अब इसे मैं सुबह यूनिवर्सिटी पहन कर जाऊँगा। वो कह रहा है ऐसे ही है, देखा। तो जी वॉच की आप अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वॉच आपको कैसी लगी। मेरे ख्याल से तो एंड्रॉयड वॉच और इतने फीचर्स और इस हिसाब से जिस हिसाब से प्राइस थी उस हिसाब से बहुत अच्छी वॉच है, और मुझे तो पसंद आई, मुझे अच्छी लगी, और जो फीचर्स है वो भी अच्छे लगे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे। और आज सुबह से मैं इतना बिज़ी था कि व्लॉग बना ही नहीं सका, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे वो किए, और फिर उसके बाद फ्री हुआ तो व्लॉग स्टार्ट किया, और जो किया वो आपके सामने है। और अब बिल्कुल फ्री हैं, और अब टाइम हो चुका है तकरीबन 10:30 हो चुके हैं, 11 बजने लगे हैं। तो अब सो जाना है, व्लॉग एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे और सो जाएंगे। तो आप लोगों से मैंने एक न्यूज़ शेयर करनी थी, मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त है रवील आसिफ, यूनिवर्सिटी फेलो है मेरा, क्लास फेलो है। उनके पापा की आज डेथ हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि उसके पापा की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। आप सबसे दुआ है कि इल्तमास है कि ज़रूर उनके लिए उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनके लिए मगफरत की दुआ फरमाइएगा, और सब उनके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, उसको सब्र दे, और उनके पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बस मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस हुआ, और अल्लाह उनको सब्र अता करे, सब्र जमील अता करे। तो इसी के साथ साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, बाय बाय।